Hey guys, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गी के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आ गई हूँ मैं मनाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए और आपको अच्छे अच्छे वीलॉग्स मिलेंगे। आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिले। अभी हम लोग आए हुए हैं हिडिंबा टेम्पल देखने के लिए। अगर आपको नॉलेज में नहीं हो कि हिडिंबा कौन थी, तो हिडिंबा भीम की वाइफ थी, वही पांडव पुत्र जो भीम थे। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ हिमाचल वाले लुक में। कैसी लग रही हूँ आपको? आंटू बोल रही थी इनको भी करवाने के लिए, बोल रही थी कि इनको बता रही थी कि न्यू कपल हो अच्छा लगेगा पोज देने में, बट इन्होंने मना कर दिया तो मैंने खुद ही करवा लिया। और ये है हिडिंबा टेम्पल। इतने सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे अंदर जाने के लिए इतने सारे और लाइन में लगे हुए हैं। अगर हम इस टाइम लाइन में लगेंगे तो पता नहीं 6 बजे तक में भी हो सकता है कि अंदर जाके एंट्री ले लें, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास ना तो उतना टाइम है। इसको क्या बोलते हैं, आम चाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आम चाट है ना। यहाँ का लोकल फूड सिड्डू, चलिए हम भी ट्राई करते हैं। आ गया है हमारा हिमाचल का लोकल डिश सिड्डू। अब मैं इसे खा के टेस्ट करने वाली हूँ कि कैसा है। पूछती हूँ कैसा खा के इनको फील हुआ है, मीठा या तीखा है ये भी बता दीजिएगा। कैसा है, मीठा या तीखा है? इनका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। बताइए तो सही कैसा है। बड़ा अजीब है, ओके। अभी हम लोग आए हुए हैं वन विहार। यहाँ पे लिया गया है हम लोग से 50 रुपीज़ टिकट और यहाँ हम लोग वन देखेंगे, वन विजिट करेंगे। मुझे तो मनाली आना बहुत वेस्ट लग रहा है क्योंकि ना तो बर्फ़ है ना मनचाहा जो भी जगह था वो भी नहीं घूम पाए, और बाकी सारे लोग फ़ोटो सेशन कराने के लिए कोई खरगोश हाथ में दे दे रहे हैं, कोई हिमाचल का ड्रेस दे रहे हैं, बाकी जो चाहिए वो कुछ नहीं है। और यहाँ पे ही वन विहार के अंदर नौका विहार भी आ गया। क्या देख रहे हैं? और फाइनली हम लोग आ गए हैं जंगल के बीच में। कौन सा जंगल है? वन बिहार जंगल है। उधर नदी है, नदी के पास जाने पे आपको फाइन लगेगा 1000 का, तो हम लोग जा नहीं रहे। ऐसे जा सकते हैं, ऐसा कोई बोला नहीं गया है क्योंकि बीच में एक रोड है, रोड के उस साइड नदी है, बस आवाज़ आता है कि नदी है। तो चलिए पहले हम नदी देखते हैं। इधर ही बोला गया था ना नहीं, पाउस क्यों करेंगे जब चल दिखाना है तो। बीच में कहीं अगर शेर वेर आ गया ना बस यहाँ से तो भागना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं,
कहाँ जा रही है? इधर से ही तो वो लोग गए थे, इधर से ही वो लड़की लोग नहीं गई थी। कहाँ के लिए जा रही हो? कहने देखिए आवाज आ रहा है नदी का, इधर से गई थी ना। अरे हमको नहीं मालूम भाई किधर से जा रही। इधर से पगडंडी से। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बीच में सांप वाप मिल गया तो अलग लफड़ा है, मेरे को तो ऐसे भी कम दिखाई देता है। हो हो, मैं चश्मा भी नहीं पहना है। हसन पहाड़ और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे को थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है क्योंकि आप देखिए कि इतना बड़ा पत्थर है और फिर इधर, और ये देखिए संदीप बोल रहे हैं किस लिए इधर जा रही है, सब दारू वारू पीता है। मैंने उनको बोला कि मैं दारू भी पी रही हूँ यहाँ पे। ओके नदी तो है नहीं कहीं यहाँ पे, फिर क्यों बोला गया कि रोड के उस साइड नदी है? रोड के उस साइड है, वही तो सही तो बोले। और इस पहाड़ को देखिए ऐसा लग रहा है कि खा जाएगा पकड़ के। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बहुत अच्छे से सैर कराती हूँ इस वन विहार का। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, यहाँ बारों महीने यहाँ मौसम जारों का। चलिए आपके लिए इतना एंटरटेनमेंट काफ़ी हो गया अभी, कैसा लगा आपको मेरा गाना ज़रूर बता देना। सबसे पहला कमेंट मैं ही मारूंगा, पहले जाड़ा बोल लो सही से। तो भैया आप गा के सुना दीजिए, इतना ही आपको मेरा गाना वाहियात लगा तो वो तो होगा नहीं। मनाली का वन विहार बहुत ही सुंदर नेचुरल पार्क है जहाँ पे बहुत सारी जगहों से लोग घूमने आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो नेचर रिलेटेड है, जैसे बहुत पेड़ है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे, और ये पूरा हर तरफ पे वाटर फीचर से भरा हुआ है। मनाली के इस नेचुरल गार्डन में बहुत सारे जगहों से लोग घूमने आते हैं, जो यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट को देखते हैं, जो जगह जगह पे लगी हुई मूर्तियों को देखते हैं, और यहाँ का जो वाटर फीचर्स है वो बहुत ही कमाल का है, जो लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपको भी अगर टाइम मिले तो इस वन विहार में ज़रूर आइएगा। और अब मैं आ गई हूँ मनाली के मॉल रोड में। मॉल रोड के बारे में कहा जाता है कि मनाली का ये सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें हैं आसपास में, लोग यहाँ पे आकर ख़ुद को एंटरटेन करते हैं और यहाँ के बाज़ार से अपने लिए बहुत सारे कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गए, यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना हो गया, सब लोग खाते हैं। मनाली के इस मॉल रोड में हमने बहुत सारी एक्टिविटी की, जैसे वहाँ पे हमने हौजरी खेला जहाँ पे मैं हार गई 500। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे भूख लगी हुई थी क्योंकि इसके पहले भी हमने दो जगहों पे घूमा था, हिडिम्बा मंदिर और वन विहार। फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ के रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम ट्राई किए जलेबी विद केसर वाली दूध। वैसे जलेबी मैं खाती नहीं हूँ, बट संदीप ने बोला कि खा लो, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने खाया। और जलेबी खाने के बाद मुझ में थोड़ी बहुत एनर्जी आई, एनर्जी आने के बाद यहाँ के मार्केट को मैंने और एक्सप्लोर किया। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही, कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा व्लॉग सबसे पहले आपको दिखे। बाय।